जो व्यक्ति रातों
से जंग लड़ता है वो अक्सर सूर्य बनकर निकलता है, अक्सर सूर्य बनकर निकलता है। Today I am here to tell you something about success. First of all, I want to ask you a question. What is success? Let me tell. Success is the offspring of hard work and determination. Without hard work and determination, you can't be a good person in your life. If you want to be a successful person in your life, you have to do hard work and set up your goals. Sometimes some people set up their goals, but they forget to working on it. Do you know what are the two things that are stopping people from being successful? These two things are fear of failure. Yes, these two things are stopping people from being successful. So you have to do hard work in your life, you have to be passionate, and you have to do what you love. At last, I am ending my speech with some few words. बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, टूट जाए आईना अगर, तो ऐसा पत्थर तलाश करो कि आईना टूट जाए, तो ऐसा पत्थर तलाश करो कि आईना टूट जाए। मिलेगी मंजिल इन परिंदों को जरूर, मिलेगी मंजिल इन परिंदों को जरूर, ये पहले हुए इनके पर बोलते हैं, ये पहले हुए इनके पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। देती है भूख सदाचार भुला देती है। आओ उस माँ की भी जुबानी कोई बात सुने जो हर रोज बच्चों को भूखा ही सुला देती है। उसके आंखों के आंसू यही कहते हैं कि भूख सदाचार भुला देती है। सर्दियों की ठिठकती रात में जब एक मजबूर माँ अपने बच्चे को मंदिर के बाहर सीढ़ियों में छोड़ जाती है, तो उससे पूछा गया कि क्या तेरी ममता तुझे सताएगी नहीं, क्या इस बच्चे की सिसकियां तुझे रुलाएगी नहीं, क्या इसकी चीखें तेरे कानों से टकराएगी नहीं, तो जब मजबूर माँ कपकपाते होठों से ये जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर इस बच्चे का भूख से बिलखना मुझसे देखा न गया, तो इसमें ये कहना बनता है कि भूख माँ की मोहब्बत को मिट्टी में मिला देती है, भूख सदाचार भुला देती है। कौन है कितना मजबूर कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो, जो बात तुमने सरे पर न सुननी चाहिए मैं वही बात सरेदार कहूँ तो क्या हो। चंद रोटियों की चाहत में मंदिर के बाहर जान गवा बैठने वाले बच्चों का असल मसला भूख है। किसी व्यक्ति का अपने बच्चों के साथ चलती ट्रेन के सामने आके मर जाने का असल मसला भूख है। एक बूढ़े व्यक्ति का 2 किलो आटे के लिए खून बेचने का असल मसला भूख है। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने और लोग कह रहे थे कि कुछ खा के मर गया। गूंगी हो गई आज सुबह कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को इंसान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको इस पर यकीन नहीं, बस डर गया मैं इंसानियत का नाम लेते लेते। कहां थी वो इंसानियत जब भूख से निढाल होके एक बच्ची ने कहा था कि हे भगवान मुझसे मेरी जिंदगी छीन ले ताकि मैं जन्नत में खाना खा सकूं। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि जब अपना कबीला सबके यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, और न फिर कोई सांप बास्ती से निकलेगा। जो बांटेगा इस दुनिया में रोशनी अपनी, मुझे यकीन है वो सूर्य इसी साल समी से निकलेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। G7 कंट्रीज कॉल फॉर वर्ल्ड विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स। Cops trailing Reuters return empty-handed from Imran's house. Iran executes 3 over anti-government protests. Water supply challenge in Gurugram. Beware of rumor mongers. Kashmir police warn people. RBI to withdraw rupees 2000 notes from circulation. Now some Himachal related news. 87 of 172 power projects register for water cess. Retires without 10 years. Regular service seek OPS like benefit. Hamirpur woman dies by suicide, probe on. Smallest bone is present in which part of the body? Roll number 105.
Yes, the correct answer is air. My last question is for class plus two. C.V. Raman won Nobel Prize in which year? Roll number 554. 1930. Yes, the correct answer is 1930. That's all for today's GK question. Thank you and have a nice day. इस सप्ताह प्रातःकालीन सभा के संचालन का कार्यभार पार्वती सदन को सौंपा गया था। हमने भरसक प्रयास किया कि हम इस कार्य को बखूबी निभाए। फिर भी कुछ त्रुटियां रही हो तो आने वाले सप्ताह में हम उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। शुभकामनाओं सहित प्रातःकालीन सभा का संचालन सतलुज सदन के हवाले। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। जब तक आप अपने मन से बेटर की ओर जाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। पर मुझे लगता है कि वो जो मैंने आपको पांच चीजें ब्रांडेड बताई थी कि भाई व्हाट शुड बी योर ब्रांड, कहीं ना कहीं उसका आप जो है उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को पिछले सप्ताह ड्रग्स के बारे में दो एक लाइनें बताया था कि आज की तारीख में हमारे हिमाचल प्रदेश में भी और खासकर शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी जो ये ड्रग्स का के मेनेस है ये डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है और इसमें हमारे गांव तक ये इसका जो मकर जाल है वो फैल चुका है। इसमें हमने इस मकर जाल को तोड़ना है और साथ में इसको जो चलाने वाले लोग हैं वो काफ़ी शक्तिशाली लोग हैं। हो सकता है उनमें से कई राजनीतिक संबंध भी रखते हो सकता है उनकी पहुंच जो है ब्यूरोक्रेसी में भी हो, अफसरशाही में भी हो, और जिन लोगों को ऐसे लोगों को पकड़ने का जिम्मा दिया गया है हो सकता है कि ये जो नेटवर्क है उन लोगों को भी अपने जाल में लिया हुआ हो। एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि अपने नजदीक ये गतिविधियां नहीं होने देनी है।